हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी बच क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन ऑयल की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही इंडियन ऑयल फॉर यू पे क्लिक करने के बाद इंडियन ऑयल फॉर करियर्स में लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स पर जॉब ओपनिंग में आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ से आप डिटेल्स दे सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। न्यूज़पेपर का भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है, तो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या डिटेल्स दी गई हैं। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर DP/5/5 ओपन। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है एंड ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। तो देख लेते हैं किस पोजीशन पे वैकेंसी है। सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए A1 ग्रेड में यहाँ पर 9 वैकेंसी है। यहाँ पर पे इसके लिए आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 मिलेगी, जबकि लॉ ऑफिसर ए में यहाँ पर 9 वैकेंसी यहाँ पर भी है, 50,000 से लेकर 1,60,000 पे इसके लिए आपकी यहाँ पर रहने वाली है। एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप डिटेल्स में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के पास LLB होना चाहिए या 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कम से कम आपका अगर जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट है, आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, LLB में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST PWD के लिए 55% ये मार्क्स डिसाइड किया गया है। इसके अलावा कैंडिडेट का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जनरल EWS कैंडिडेट की 30 ईयर है एंड इसके अलावा OBC NCL SC ST इन सब के लिए यहाँ पर 33 ईयर एज दी गई है, जबकि SC ST के लिए 5 ईयर की एज में छूट दी जा रही है। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड A1 के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ग्रेड A के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल स्किल में यहाँ पर कैंडिडेट को एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसके अलावा हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पर किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी गई है, आप विदाउट फी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय यहाँ पर आपको CLAT 2022 का एडमिट कार्ड नंबर मांगा जाएगा। CLAT 2022 एप्लीकेशन नंबर भी आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर करना है एंड स्कोर ऑब्टेन इन CLAT 2022 उसके वो भी आपको यहाँ पर फिल करना, जो भी आपने CLAT 2022 में स्कोर आपने अचीव किया है। तो यहाँ पर द पोर्टल विल अलाउ द कैंडिडेट टू प्रोसीड फर्दर ओनली व्हेन द एंट्री इज मेड अगेंस्ट अबव क्वेरीज मैच विद CLAT 2022 डेटाबेस। यानी कि आप ऑनलाइन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब CLAT 2022 के डेटाबेस पे के बेस पर आपकी जो एंट्रीज है वो मैच करेंगी, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर CLAT 2022 PG का जो एग्जामिनेशन है एंड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पे मार्क ऑप्टेंड CLAT 2022 के लिए आपको वेटेज 85% दिया जाएगा, GD एंड ग्रुप टास्क के लिए 5% वेटेज दिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 10% का वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा एंड इसी के बेस पर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। एंड ग्रेड A1 के लिए यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 आपको पे स्केल मिलेगी एंड A के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 है। इसके अलावा आपको DA एंड जो भी डेयरनेस अलाउंसेस हैं, कॉर्पोरेशन फोर्सेस जो भी है, अमेंडमेंट है, रेमुनेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 अगस्त 2022 है,
तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं। एंड किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ए या A1 के लिए, आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्लैट का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। क्लैट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, DDOB एंड मार्क्स ऑफ क्लैट 2022, इसके बेस पर ही जब ये आपने इसको फिल कर देंगे तभी आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। देन आप लॉग इन करके फॉर्म को स्टेप बाई स्टेप फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।